please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. आरक्षण की मांग को लेकर मराठा क्रांति मोर्चा मुंबई और ठाणे में जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ठाणे में आंदोलनकारियों ने ट्रेनें रोकी तो मुंबई में वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर लोगों ने जाम कर दिया, जबकि जोगेश्वरी और नालासोपारा इलाके में आंदोलनकारियों ने दुकानें बंद करवा दी हैं। वहीं नवी मुंबई के कोपरखेरन इलाके में आंदोलनकारियों ने तोड़फोड़ की है। वहीं 80 बसों को भी रद्द कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक मराठा आंदोलनकारियों को कांग्रेस, लेफ्ट और एनसीपी का समर्थन हासिल है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, दरअसल मामला पूरा 72,000 सरकारी जो खाली पद है उनको लेकर है। मराठा लोग कह रहे हैं कि इसमें आरक्षण की मांग की जाए, लेकिन मामला क्योंकि कोर्ट में, सरकार लगातार ये बात कह रही है कि कोर्ट में मामला है। 16 अगस्त को तारीख भी है और उसी के बाद कोर्ट का जो फैसला होगा उसी को माना जाएगा, लेकिन लोग ये मानने को तैयार नहीं है। फिर से एक तरीके से आंदोलन काफी उग्र होता जा रहा है। पिछले साल 9 अगस्त को भी कुछ इसी तरह की तस्वीर पूरे महाराष्ट्र में नजर आई थी। फिलहाल ठाणे महाराष्ट्र की एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा लगातार सड़कों पर आगजनी हो रही है, कई जगह पर दुकानें बंद करवाई जा रही है। जोगेश्वरी इलाका, नालासोपारा इलाका, ठाणे का इलाका, हर जगह पर। हालांकि बड़ी चुनौती जो है वो राज्य सरकार के लिए ये भी है कि किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए। मराठा आरक्षण को लेकर मुंबई, नवी मुंबई, साथ ही साथ ठाणे और रायगढ़ को जो बंद करने का आयोजन किया गया था, उसी के चलते कहीं ना कहीं जो आंदोलनकारी हैं वो सड़कों पर उतरे हैं। मानखुर्द का इलाका है जहां पर सड़कों पर उतरे हैं। उन्हें नियंत्रित करने में इस वक्त पुलिस का पूरा बल लगा हुआ है। जो भीड़ है उसे तितर बितर किया जा रहा है, सिचुएशंस को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ किसी भी तरह की आपात स्थिति ना होने पाए, जिस तरह से कल हालात पैदा हुए थे वो पैदा ना होने पाए, उसके मद्देनज़र यहाँ पर दूसरी तरफ देखें तो सीधे पनवेल से मुंबई की तरफ जो आने वाला रास्ता है उसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, जहाँ पे आंदोलनकारी मौजूद है, ताकि जो है किसी भी तरह की पथरावबाजी या फिर किसी भी तरह की आपात स्थिति वो निर्माण न होने पाए। रास्ते को बंद किया गया है और डाइवर्ट किया गया है ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ देखें तो लोगों की गाड़ियाँ भी आपको खड़ी दिखाई पड़ेंगी और जो लोग ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं और साफ तौर पे कहीं ना कहीं जो सिचुएशन है उसे कंट्रोल करने की वो पूरी बंदोबस्त की कोशिश की जा रही है। भीड़ को तितर बितर करने में महिला पुलिसकर्मी और साथ ही साथ जो पुलिस बल है वो तैनात है, ताकि हालात नियंत्रित में रहें। जिस तरह से कल पूरे महाराष्ट्र में आगजनी की गई थी, जिस तरह से कल पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन हुए थे, उसके मद्देनज़र ये पूरी सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। आंदोलनकारियों को यहाँ से धीरे धीरे शिफ्ट किया जा रहा है और साफ तौर पे निर्देश दिए गए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो कहीं पे इकट्ठा ना हो। आंदोलन के दौरान चक्का जाम की कोशिश की गई यहाँ पर, जो कि मुंबई की तरफ जाने वाला रास्ता है, लेकिन धीरे धीरे जो है उन आंदोलनकारियों को खदेड़ा गया है, हटाया गया है, ताकि स्थिति सामान्य रहे। वहीं दूसरी तरफ ट्रैफिक भी पूरी तरह से डाइवर्ट किया गया है, ताकि किसी भी गाड़ी में तोड़फोड़ न होने चाहे, सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचने पाए, किसी भी तरह की आपात स्थिति न बनने पाए। कुल मिलाकर देखा जाए तो आंदोलन जगह जगह पर मुंबई सहित जो है ठाणे, पनवेल, रायगढ़ और जगह जगह पे जो किए जा रहे थे वो छिटपुट घटनाएं जो है वहाँ पर हुई हैं, लेकिन हालात अभी भी नियंत्रित में है। मुंबई सुचारू रूप से अभी भी चल रही है। कैमरा पर्सन विक्रम के साथ आशीष सिंह, न्यूज 18। मराठा आरक्षण के जो आंदोलनकारी हैं वो जगह जगह सड़क पर घूमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस समय वर्ली नाके पर कुछ प्रदर्शनकारी यहाँ पर धरना दे रहे हैं और जाहिर तौर पर इन सबकी कोशिश इस बात को लेकर है कि यहाँ पर चलकर ट्रैफिक को रोका जाए, लेकिन संख्या इतनी कम है और पुलिस इतनी ज़्यादा कि फिलहाल ट्रैफिक रोकने से मना कर दिया। हालांकि मैं आपको वर्ली नाके का इलाका दिखाना चाहूँगा, आप इस तरफ देखें, मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि वह दिखाएं तो दुकानें, तमाम दुकानें एहतियातन तौर पर बंद रखी गई हैं। शहर में यूँ कह सकते हैं कि शटर बंद है पर शहर खुला है। शहर में बसें चल रही हैं, ट्रेन चल रही है और यहाँ पर तमाम ट्रैफिक चल रहा है, पर लेकिन लोग फिलहाल घरों में कम निकले हैं। उसकी वजह यह है कि आंदोलनकारियों का शायद डर भी है और एहतियात भी है, इसलिए आंदोलन तो चल रहा है पर शहर शांत है। संदीप सोनलकर, न्यूज 18 इंडिया, मुंबई। चलते सीधा क्या स्थिति है इस वक्त, हालात किस तरीके के हैं। हमारे साथ विवेक गुप्ता चेंबूर से जुड़ चुके हैं। विवेक, जानना चाहेंगे, जरा तस्वीरें भी दिखाएं और ये दिखाएं कि वहां पर हालात कैसे हैं।
हाँ नवजो, देखिए अभी कुछ देर पहले यहाँ पर तकरीबन 400 से 500 मराठा क्रांति आंदोलन के जो लोग थे यहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने बाकायदा आधे पौने घंटे तक पूरी रोड को जाम करके रखा हुआ था। पुलिस ने भारी बल का उपयोग करते हुए सबको समझाने की कोशिश की, समझाने के बाद जितने भी कार्यकर्ता थे उन्हें यहाँ से हटा दिया गया, तितर बितर कर दिया गया। अब पुलिस ने जो दूसरे इलाके में जो जहाँ पर प्रदर्शन रहे वहाँ तक पहुँच गए। बगल में अपने कैमरे में बोलूँगा आप देखते थे, इसी रास्ते पर उन्होंने आंदोलनकारियों ने पूरे रास्ते को जाम कर रखा था। हालांकि झंडे अभी भी वहाँ पर उनके लगे हुए हैं, कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं, लेकिन यहाँ से ट्रैफिक को बिल्कुल सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया है। ये काफ़ी अहम रूट है जो साउथ मुंबई को ईस्टर्न मुंबई से जोड़ता है। अब इस रूट को पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया है और पुलिस लेकिन अभी भी जो आंदोलनकारी हैं उन पर अपनी नज़र बनाई हुई है और उन पर लगातार नज़र बनाई कि वो वापस यहाँ पर ना आ सकें। विवेक, ये भी जानना चाहेंगे कि क्या ये मराठा क्रांति समाज के ही लोग हैं या फिर इनको किसी सियासी पार्टी की शय भी हासिल है? नब्जो, देखिए इस पूरे मामले में जो लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे उनसे हमारी बातचीत हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं है और कोई भी राजनीतिक पार्टी को वो अपने आंदोलन में शामिल नहीं होना चाहते हैं। लेकिन अब इस पूरे मुद्दे को राजनीतिक पार्टियाँ अपना एक मौका भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 2019 में लोकसभा चुनाव भी हैं और 2019 में महाराष्ट्र में भी चुनाव हैं। दोनों चुनाव 2019 में हैं, तो जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं उन्हें कहीं ना कहीं भी इस आंदोलन को बैक सपोर्ट करें, चाहे एनसीपी हो या कांग्रेस हो, क्योंकि उन्हें पता है कि एक मराठा मुद्दा काफ़ी बड़ा है महाराष्ट्र में और आरक्षण का मुद्दा काफ़ी बड़ा है। उसको भुनाने की कोशिश में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अब इन लोगों से मिलना चाहती हैं और इन लोगों से मिलकर आंदोलन करना चाहती हैं। लेकिन ऑन रिकॉर्ड मराठा आंदोलन को लेकर जो अधिकार हैं, जो अधिकारी हैं, जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वो अभी भी साफ तौर पर कहते हैं कि वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए नहीं और किसी भी राजनीतिक पार्टी को वो इस आंदोलन में शामिल भी नहीं करना चाहते हैं। विवेक, सवाल यहाँ पर इसलिए भी उठते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मामला कोर्ट में है और जहाँ तक जिस मांग को लेकर ये आंदोलन इतना उग्र हो रहा है वो है 72,000 सरकारी नौकरियां, और उसको लेकर भी मुख्यमंत्री आश्वासन दे चुके हैं कि उसमें 16% आरक्षित रखी जाएंगे और उसके बाद कोर्ट के फैसले का इंतजार होगा, उसके बाद फैसला लिया जा सकता है। नब्जो, देखिए इस पूरे मामले में जो आंदोलनकारियों का साफ तौर पर कहना है कि महाराष्ट्र सरकार ने और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जानबूझकर इस पूरे मामले को कोर्ट में ढकेल दिया, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार को एक बहाना मिल गया कि मामला पूरा कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट के आदेश के बाद ही महाराष्ट्र कुछ कदम उठा पाएगी। लेकिन जो आंदोलन कर रहे हैं उन्हें इस बात को समझना चाहिए क्योंकि जैसे ये मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में गया है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने बाकायदा सरकार से कहा है कि इस पूरे मामले में एक कमेटी बनाई जाए। सरकार ने इस मामले में एक कमेटी भी बनाई है और उस कमेटी को आदेश दिए गए हैं, कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि मराठाओं की महाराष्ट्र में क्या स्थिति है, चाहे वो जॉब को लेकर हो, चाहे सरकारी जॉब को लेकर हो, पढ़ाई लिखाई को लेकर हो या उनके एजुकेशन को लेकर हो, इस पूरे मामले की स्थिति ये कमेटी बनाएगी और पूरा जो प्रेजेंट स्टेटस है मराठाओं का महाराष्ट्र में उस कमेटी की रिपोर्ट वो बॉम्बे हाईकोर्ट में सौंपेंगे। उसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट तय करेगा कि इसमें जो आरक्षण का जो मुद्दा बॉम्बे हाईकोर्ट में चल रहा है उसमें आगे कदम क्या उठाना चाहिए। लेकिन इस बात को जो आंदोलनकारी हैं वो बिल्कुल समझना नहीं चाहते। उनका साफ तौर पर कहना है कि इनकी मांगे कई सालों से चल रही थी, सिर्फ ये मुद्दा भटकाने के लिए और सरकार अपने आप को बचाने के लिए इस पूरे मामले को उन्होंने कोर्ट में ढकेल दिया है, ताकि वो सरकार बार बार बोलते रहे कि मामला कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट जो आदेश करेगी उसके बाद वो कदम उठाएंगे। इस पूरे मामले में एक और बात अब अहम है कि सीएम देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पर कहा है कि उस पूरे मुद्दे पर बात करने को तैयार है, लेकिन आंदोलनकारियों का साफ तौर पर कहना है कि 2 साल से महाराष्ट्र सीएम यही उन्हें झूठा आश्वासन दे रहे हैं कि वो उनके बात करेंगे और जो आरक्षण का मुद्दा है उसे सुलझाएंगे। लेकिन अब उनका जो विवेक, नजर आप बनाए रखिए, हम लौटेंगे आपके पास। फिलहाल हम सीधा लिए चलते हैं युगांडा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युगांडा के संसद भवन में बोल रहे हैं। नहीं था, लेकिन मानवीय मूल्यों के लिए जिंदगी कमानी थी। जिस देश के लोगों का ये इतिहास रहा हो, मैं आज की और आगे की अफ्रीका की पीढ़ी को, युगांडा की आने वाली पीढ़ी को, युगांडा की युवा पीढ़ी को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम किस मकसद से काम कर रहे हैं। हमारे एरिया कौन से हैं? एक युगांडा के लोगों का कैपेसिटी बिल्डिंग हो, यहां का ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यहां का युवाओं का, यहां की नई पीढ़ी का स्किल डेवलपमेंट, ये सारी शक्तियां वो है
जो आपसे दुनिया की कोई ताकत चुरा नहीं सकती है, छीन नहीं सकती है, आपको मजबूत बनाती है, ये हमारी प्राथमिकता है। दूसरी हमारी प्राथमिकता है, आखिर पर प्रगति होती है, ग्रोथ होता है, उसका एक आधार होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, दूसरा होता है नेचुरल रिसोर्सेज में वैल्यूएशन। नेचुरल रिसोर्सेज में वैल्यूएशन के बिना आप इकोनॉमी को ताकत नहीं दे सकते। हिरासत में मौत का सच स्वीकार करने के एक दिन बाद राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने पूरे थाना स्टाफ को हटाने से इनकार कर दिया। कटारिया ने कहा कि केवल घायल रकबर को अस्पताल ले जाने में पुलिस ने लापरवाही बरती है, पुलिस ने थाने में पिटाई नहीं की और न ही पुलिस की पिटाई से उसकी मौत हुई और ऐसे में थाने के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। हमारे साथ है राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया। कटारिया साहब, आपने कल ये मान लिया कि हिरासत में मौत हुई है, अब उसके बाद में राजस्थान में नियम है कि पूरा थाना रिमूव करते हैं। देखो, उसको देख रहे हैं, कारण क्या है कि थाने में कोई ऐसी उनके साथ मैन हैंडलिंग हो जाए और उससे डेथ हो जाए तब तो थाना करते ही, ये तो केवल लाए ला करके वहाँ छोड़ के चले गए और उसके बाद जब आए तो उसकी स्थिति बिगड़ गई, तो न तो किसी ने कोई मारपीट की, गलती केवल उनकी इतनी है कि इसको हॉस्पिटल पहले पहुँचाना था गायों को छोड़ने के पहले, इस गलती के कारण से तो जिन्होंने की वहाँ मौके पर थे उनको सबको हमने खिलाफ कार्रवाई कर दी, एक को सस्पेंड कर दिया, तीन को लाइन हाजिर कर दिया, फिर भी कानून में प्रावधान होगा तो हम देख रहे हैं, अगर उसमें करना होगा तो कानून हमें इजाज़त देगा तो सारे ही चेंज करें। एक दूसरा, आज वो जो फैमिली है जहाँ से गायें खरीदी थी उनका स्टेटमेंट आया, वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से गायें हमने बेची नहीं। देखो, वो एक दूसरी बात है, उन्होंने गाय कहाँ से लाए, गो तस्करी करे क्या करे, वो तो अपनी जगह के, लेकिन कोई गो तस्कर भी हो उसको कोई मार दे ये कानून इजाज़त नहीं देता है, पकड़ लो, सुपुर्द कर दो, ये तो आपका अधिकार है, लेकिन किसी पर आप मारपीट करके मार दो, कानून तो 302 का मुकदमा है। सर, एक जो CCTV फुटेज आए हैं उसके अंदर एक घंटे का टाइम तो शो कर रहे हैं कि 2:30 बजे वो आए, उस जीप आई, उसके बाद में 3:30 बजे गई, तो क्या मौके से 1 बजे से लेकर 2:30 बजे क्या और कहीं उसके साथ? यार, इतना सच कह देने के बाद भी अभी आपको कोई संदेह रह गया कि वो वहाँ छोड़ करके गायों को दफ्तर दाखिल कराने के लिए चला गया? अगर वो पहले थाने लाने के पहले उसके बाजू में हॉस्पिटल था वहाँ ले जाता तो सबको संतोष होता कि जितनी कोशिश बचाने की हो सकती वो की। एक लास्ट सवाल है, तो ये है राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया, जिनका ये कहना है कि इस पूरे मामले के अंदर, हिरासत के अंदर जो मौत का मामला है, कि ये कह रहे हैं कि पिटाई से नहीं हुई, जो थाने को लाइन हाजिर किया जाता है उस मामले की अभी जांच किया जाए। कैमरा मनीष के साथ मनीष सिंह, जयपुर, न्यूज 18 इंडिया। मामले में राजस्थान के रामगढ़ के BJP विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने सवाल उठाए हैं। ज्ञानदेव आहूजा ने इसे एक बार फिर गौ तस्करी की घटना बताया। ज्ञानदेव आहूजा ने मामले में सवाल उठाते हुए कहा है कि अगर कोई गलत तरीके से गाय नहीं ले जा रहा था तो वो कच्चे रास्ते से क्यों गया। ज्ञानदेव आहूजा ने ये भी कहा है कि रकबर पर एक केस पहले भी दर्ज किया गया था। उन्होंने कहा कि इस मामले में और सबूत जुटाए जा रहे हैं। पीट के नहीं मारा गया है और स्वाभाविक रूप से पुलिस की अनदेखी के कारण इसकी मृत्यु हुई है। हत्या हुई है ये भी मैं नहीं कहूँगा, हत्या का मतलब योजनापूर्वक हत्या होती है। और इस बीच अलवर में रकबर की हत्या के मामले में नया मोड़ आ गया है। दरअसल रकबर के पास से बरामद की गई गाय लाडपुर से नहीं खरीदी गई थी, लाडपुर के रहने वाले परिवार ने इस बात का दावा किया है। परिवार के मुताबिक रकबर ने उनसे गाय नहीं खरीदी थी, हालांकि पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक रकबर के साथी ने बताया कि उन्होंने गाय लाडपुर से खरीदी थी। ऐसे में अब रकबर के साथी के बयान पर सवाल खड़े हो गए हैं। 21 जुलाई को रकबर की गौ तस्करी के शक में लोगों ने पीट पीट कर हत्या कर दी थी। दो तीन दिन पहले कोई गाय आपके यहाँ से खरीद के गई थी? नहीं गई थी। तो गाय वगैरह पालते हो आप? नहीं पालते? बस यही बच्चिया जो हमारे पास, एक बच्चिया पाल रखी है। तो ये कितने दिनों से आपके पास बच्चिया एक ही है? ये मैंने मेड़क पर सुली ही हुआ की बच्चिया आई।
अच्छा। उमेन बेच दी हीनी गांव में। में विपक्ष के गठबंधन के पीएम उम्मीदवार को लेकर घमासान तेज हो गया, खासकर इस खबर के बाद जिसमें यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस किसी भी उम्मीदवार को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार कर सकती है, यानी पार्टी राहुल गांधी की पीएम उम्मीदवारी छोड़ सकती है। बीजेपी ने इसे चुनाव से पहले ही विपक्ष में फूट बताया है। वहीं बंगाल कांग्रेस ने इन खबरों का खंडन करते हुए कहा है कि सीडब्ल्यूसी में राहुल गांधी को ही 2019 का चेहरा बनाने का फैसला लिया गया और कांग्रेस ही गठबंधन का नेतृत्व करेगी। वहीं एनसीपी ने कहा है कि सबसे बड़े दल का नेता ही पीएम उम्मीदवार बनेगा। देखिए, मुझे लगता है कि एक कहावत है कि जानी बिल्ली खंबा नोचे। जिस तरह से कांग्रेस के प्रेसिडेंट का एक्सपोजर लोकसभा में हुआ, उसके बाद जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने बिना अपने साथियों से बात किए हुए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया, और पहला मौका होगा या एक अनूठा मौका होगा कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के नामांकन से पहले ही विड्रॉल हो गया। जिस दिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने श्री राहुल गांधी को अपने प्रधानमंत्री उम्मीदवार से ठहराया, तो उसी दिन हमने कहा था, यानी विपक्षी एकता का बीज बोया गया है, लेकिन वो इतना जल्दी अंकुरित होकर के फलित होगा ऐसे उम्मीद नहीं था। यानी शुरुआत में ही उनको एहसास हुआ है, महसूस हो गया है, यानी उनके उम्मीदवार से उम्मीदवारता के लिए कोई सहमति नहीं है उनके साथी पार्टियों में। अभी चुनाव से इतना पहले ये तय करना कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा और क्या उसका फार्मूला होगा, मैं समझता हूँ कि इस बहस में पढ़ने की ज़रूरत अभी नहीं है। ये बात कांग्रेस पार्टी ने भी स्पष्ट किया है और सभी लोग इस बात को स्वीकार करते हैं। जो गैर भाजपाई दल हैं वो पहले मिल जाएं, फिर प्रधानमंत्री कौन बनेगा इसकी बात निर्णय करने का काम बाद में होगा। पहले निर्णय ये करना है कि गैर भाजपाई दल एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ने का काम करें, और चुनाव जीतने के बाद जो सांसद होंगे वो तय कर लेंगे कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। लेकिन ये सब लोग अगर मिल जाएंगे जैसा मिल रहे हैं, तो संख्या बल भी तो एक वो भी तो मायने रखता है ना, वो संख्या आपको चुनौती दे सकती है उत्तर प्रदेश में खास तौर पे। देखिए, मुझे लगता है कि इस देश के जनरल इलेक्शन जब 2019 में होंगे वो नेशनल इशू पे होंगे। देश एक तुलनात्मक अध्ययन करेगा मोदी जी के 5 वर्ष के कार्यकाल का, कांग्रेस के 55 वर्ष के कार्यकाल का, शेष अन्य दलों के 15 वर्ष के कार्यकाल का। दूसरा, जो ये गठजोड़ बनाना चाहते हैं इनको तय करना होगा नेता कौन होगा। क्या कांग्रेस ममता बनर्जी के नेतृत्व में काम करने को तैयार है? क्या कांग्रेस मायावती जी के नेतृत्व में काम करने को तैयार है? क्या कांग्रेस अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में कार्य करने को तैयार है? या अखिलेश यादव और मायावती जी क्या राहुल गांधी के नेतृत्व में कार्य करने को तैयार हैं? क्या ममता बनर्जी इनके नेतृत्व में कार्य करने को तैयार हैं? क्या शरद पवार जी इनमें से किसी एक को नेता मानने को तैयार हैं, या ये लोग शरद पवार जी को नेता मानने को तैयार हैं? इस तय तो करें पहले कि नेता कौन इनका होगा। तो ये सवाल अपनी अपनी डपली अपना अपना राग सब अलाप रहे। हमारे साथ पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी जी हैं। अधीर जी, 2 दिन पहले ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी में आप सब लोगों ने कहा था राहुल गांधी हमारे चेहरा होंगे, 2 दिन बाद ही कांग्रेस के टॉप सोर्सेज ने कह दिया कि ममता बनर्जी या मायावती के लिए भी तैयार हैं प्रधानमंत्री पद के। मुझे पता नहीं कौन टॉप सोर्सेज क्या कहा है। हम जानते हैं कि हमारा तरफ से हमारे सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में हम सब राहुल गांधी जी की हमारे पार्टी के नेता, हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट हम जरूर चाहेंगे, दिल से चाहेंगे कि हमारे पार्टी का प्रेसिडेंट अगले दिन सारे हिंदुस्तान को नेतृत्व दे, सारे हिंदुस्तान की नेतृत्व देने के लिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने। ये हमारा ख्वाहिश है,
ये हमारा मन की बात है, ये हमारा दिल की बात है। हम हर वक्त ये चाहते हैं कि राहुल गांधी जी वो कामयाब की शिखर पर पहुंचे, तो इसलिए हम जितने हैं कांग्रेस वर्कर लीडर सब मदद करेंगे, यही तो हमारा बात है। लेकिन यूपीए के बाद कौन क्या कहता है उसके जिम्मेवारी हम नहीं लेते। लेकिन अधीर जी, अगर यूपीए 3 बनता है तो नेतृत्व किसका होगा, राहुल गांधी या ममता बनर्जी? तो ममता बनर्जी को कैसे क्या होगा पता नहीं, ये तो मेक बिलीव वर्ल्ड की बात करते हैं। ये ममता बनर्जी हवा उठा रहे हैं बंगाल में कि वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, सारे सीट उनके पास आ गए हैं, 272 सीट उसके पास कैसे आएंगे वो उसको पता करना चाहिए। वो खुद अपना मेक बिलीव वर्ल्ड जिसको इमेजिनेशन कहते हैं, और खासकर मैं कहूँगा कि ये वाइल्ड इमेजिनेशन है, उनको उनका रवैया अपनाने दीजिए, उनके बगल में जो आजू बाजू में जो रहते हैं उनको दीदी को बारे में ही बोलना चाहिएगा, वो कह रहे हैं इसलिए। लेकिन हम लोग तहे दिल से सब कुछ, हमारा मेहनत, हमारा सब कुछ पसीना हम बहाएंगे राहुल गांधी जी को हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री बनने के लिए, अगर वो मौका हमें आए तो। ये तो अधीर रंजन चौधरी जो कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री बनाना चाहेगी, जहां तक ममता बनर्जी का सवाल है वह एक इमेजिनेशन है, यानी सिर्फ वो कल्पना कर रही हैं कि प्रधानमंत्री बन जाएंगे। कैमरामैन जयपाल रावत के साथ अरुण सिंह, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली।